अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग को आगरा समाज ने आमंत्रित किया है। नगर की ओर से दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जैन एवं श्रावक श्रेष्ठी प्रदीप जैन पीएनसी व मनोज कुमार बाकलीवाल ने 28 जून को उपराया गांव में मुनिश्री से आगरा आगमन के लिए निवेदन किया। सोनागर जी व डबरा के बीच गांव मुराया में अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन कर आहार दान करने का सौभाग्य भक्तों ने प्राप्त किया। दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जैन की श्रावक श्रेष्ठ जनों ने प्रदीप जैन पीएनसी व मनोज कुमार जैन बाकलीवाल जी ने मुनि संघ से आगरा आगमन का निवेदन किया। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सुबह आगरा से निकले, हम और आप और जगदीश जी और आगरा के सभी लोग जो कल भी आए थे काफ़ी लोग, और मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज जो कि सोनागिर में थे, उनका आज विहार हुआ सोनागिर से। हमें रास्ते में उनके दर्शन हुए, हम विशेष रूप से उनके दर्शन करने के लिए आज आए थे और उनसे निवेदन करने आए थे आगरा चातुर्मास मथुरा चातुर्मास के लिए। देखिए क्या होता है, लेकिन आज महाराज जी के दर्शन करके इतना आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई है कि हम प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर सकते। उनके चातुर्मास की स्थिति अभी स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, किस दिशा में वो जाते हैं। देखिए आज यहाँ हम सभी के पुण्योदय से पूज्य गुरुदेव परम सागर महाराज जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य परम सागर जी महाराज का 3 वर्ष पूर्व आगरा में चतुर्मास अभूतपूर्व चतुर्मास हुआ, और उस चतुर्मास के माध्यम से संपूर्ण आगरा जैन समाज नहीं जैनेतर समाज भी जुड़ा। पूज्य गुरुदेव ने आगरा पधारने पर वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ कथा का जब आयोजन किया तो उसमें हजारों लोगों की उपस्थिति हुई, और साथ ही अन्य जो कार्यक्रम किए उनमें भी समाज को बहुत बड़ा लाभ मिला। उसी संदर्भ में पूज्य गुरुदेव से हमने यहाँ आकर के श्री प्रदीप जी के नेतृत्व में यह त्रिफल भेंट किया, उनको आगरा में पधार करके चातुर्मास करने हेतु निवेदन किया, और हम सभी अभी प्रयासरत हैं। बाकी संभावना है कि पूज्य गुरुदेव अगर बिहार करके जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो हम संभावना समझ सकते हैं कि आगरा को सौभाग्य मिल सकता है। प्रखर वक्ता श्री मनोज कुमार जैन बाकलीवाल जी ने मुनिश्री के चातुर्मास को लेकर स्थिति स्पष्ट की। जी दर्शकों, जैसा आपने अभी अभी सुना आदरणीय प्रदीप जी और जगदीश जी को की संभावनाएं बन रही हैं कि हो सकता है प्रणम सागर जी महाराज इस वर्ष आगरा में वर्षायोग कर लें, लेकिन ये संभावनाएं तभी प्रबल होंगी जब वो उत्तर प्रदेश की सीमा की ओर आ जाएंगे, क्योंकि ग्वालियर से सुनते एक मार्ग मुड़ता है, एक मार्ग मुरैना से मुड़ता है राजस्थान की ओर, और क्योंकि राजस्थान की टीम साथ में चल रही है इसलिए यह तो कहना मुश्किल होगा कि इस बार आगरा का नंबर है या नहीं। लेकिन हाँ, सच्चे मन से प्रयास अवश्य किया जा रहा है, और आप सबसे भी अनुरोध है, एक प्रार्थना कीजिएगा कि एक बार फिर 3 वर्ष के बाद पूज्य प्रणम सागर जी महाराज का वर्षायोग आगरा नगर को मिले। मुनिवर का विहार राजस्थान के जयपुर की ओर संभावित है। यदि आगरा नगर के भक्तों का भाग्य जोर कर गया तो दूसरा रूट ग्वालियर से श्योपुर या धौलपुर से भरतपुर का भी हो सकता है। संभावना है कि यदि आगरा होते हुए यदि मुनिसंघ विहार करते हैं तो शायद आगरा समाज को यह सौभाग्य मिले। फिलहाल समाज के गणमान्य लोगों ने मुनिश्री से निवेदन किया है। जैन फोकस के लिए सोनागिर जी मध्य प्रदेश से मनोज बाकलीवाल की रिपोर्ट।